चल चुके हैं अपने गांव के लिए भाई। हमारा टूर बिहार तक रहेगा। बहुत दिनों बाद गांव की तरफ जा रहे हैं। मुझे पता है भाई, बहुत होने वाला भी सीन, बट अकेले जा रहा हूँ, यही है मेरे लिए आज का। और चलते हैं अब सीधा यहाँ से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, और शाम की ट्रेन है मेरी। बट ये लिफ्ट मस्त, इस पे चलने में मज़ा ही अलग है। इस पे चलते हैं। जैसा है मेट्रो स्टेशन यहाँ से, घेवरा मेट्रो स्टेशन, ये देखो यहाँ तक पूरा मेट्रो स्टेशन। अभी एक मेट्रो जा रही है, एंड भाई मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ, बट पता नहीं क्यों नहीं हूँ यार, अच्छा नहीं लग रहा। बट चलो चलते ही। हमारा बैग, एक बैग कैरी बैग है, दो बैग है, मतलब टोटली मेरे पीछे एक टांग रखा है एक ही, एंड अब चलते हैं। तो मेट्रो आई नहीं, ये देखो इतनी देर से वेट कर रहा हूँ, मेट्रो आई नहीं रही। और जूम करूँ, ये देखो मेट्रो आ जा भाई। बहुत अभी आ रही है कीर्ति नगर तक की, ये देखो दिख रही है, नहीं दिख रही, पर मुझे चाहिए कम से कम भाई। वैसे भाई मेरे को इंद्रलोक तक की चाहिए थी, बट कीर्ति नगर तक आ रही है, पर कोई दिक्कत नहीं है भाई, चेंज कर लेंगे, इतनी टेंशन नहीं होती। दिल्ली मेट्रो का एक ये फ़ायदा है भाई, कहीं से चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम मैंने टोकन ले रखा हो, बस तुम घूम के भी जा सकते हो, बीच में उतर कर भी जा सकते हो, कैसे भी जा सकते हो। तो दिल्ली मेट्रो में करते कपल्स लोग ऐसा, जो दिल्ली में रहता हो रिलेट कर पा रहा हो इस चीज़ को। ये लो मेट्रो आ गई हमारी, थोड़ा पास से दिखाऊँ, ये देखो अपने आप ही आ जाएगी, कीर्ति नगर वाली लिखा हुआ है ना। चलो अब बैठता हूँ इस पर, खाली सी तो लग रही है, पूरी खाली ही है, कहीं कहीं एक दो डब्बे भरे हुए। ओ भाई इधर तो भरा हुआ है, चलो कोई नहीं, बैठते अब चलते हैं। इंद्रलोक की पकड़नी है, क्योंकि तो फिर चेंज करना है अभी। सो अभी पीछे ही उतर गया हूँ, अवधांत है अशोक पार्क मेल के पास उतर गया हूँ। अभी मेरे को इंद्रलोक की आती होगी तो 2-4 मिनट में तो आ ही जाएगी आई थिंक। सो 2-4 मिनट में आ जाएगी तो पकड़ते हैं, फिर चलते देखते क्या सीन बनता है। बट मेरी ट्रेन है 5:55 पे, हाँ, तो आराम से पहुँच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एंड भाई थोड़ी सी खुशी भी है, बट थोड़ा सा पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, बट ऐसा ही है। चलो कोई नहीं, आपको दिखाएंगे सारी चीज़ें, तो फिर वीडियो को लाइक करना और चलते हैं। A few moments later. तो गया नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन। अब मुझे ये देखना है कि किधर से निकलना है, बिकॉज मैं फिर से कहीं कंफ्यूज ना हो जाऊं और गलत रास्ते ना चला जाऊं। चलो एक बार देखते हैं, फिर कंफर्म करके निकलता हूं यहां से। साहब देखो भीड़ कितनी सारी है, और सही रास्ते से आ गया हूँ बिल्कुल, बैग भी सामने से। एंड भाई मज़े तो बहुत आ रहे हैं, बट थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, मेरे को जूते खरीदने थे, बट चलो देखते हैं, चीपेस्ट प्राइस भी खरीदेंगे भाई। देखो दिल्ली में मैंने बताया साहब को बहुत सस्ती सस्ती चीज़ें मिलती हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि दिल्ली से ही ले लूँ, वहाँ फिर बिहार में यार महंगा देगा तो वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बट ठीक है चलते हैं, बाकी अभी देखते हैं और भी क्या क्या होता है। यार जूते खरीदने थे बट नहीं खरीद पाऊँगा, क्योंकि 5:30 हो चुका है और 5:55 की ट्रेन है, तो मैं रिक्स नहीं लेना चाहता, लेट हो जाऊँगा। बट चलो कोई नहीं, बाद में ले लूँगा, वहाँ पहुँच के ले लूँगा, महंगा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बट ये देखो इतनी सारी ट्रेनें हैं, और अब मुझे 13 नंबर पर खड़ा हूँ मैं, तो 13 नंबर से चलेगी ट्रेन, जो कि भाई चलो ठीक है निकलते हैं, वैसे भी यार कोई दिक्कत नहीं है, और बस देखते और क्या। जी हमारी ट्रेन ये रही, बट हम स्लीपर अभी देखना है कहाँ पे है, हम तो अभी देख रहा हूँ भाई। 3 AC वाला ये तो बरौनी तक जाएगी नई दिल्ली से, कुछ ऐसा है भाई, बहुत लंबी ट्रेन है एक्चुअली, और क्लोन एक्सप्रेस है, बरौनी तक जाएगी नई दिल्ली टू बरौनी। उधर से आने का तो भाई मैंने गरीब रथ में करवा ही रखा है, पर उधर से कोई दिक्कत नहीं है, इधर से थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि मुजफ्फरपुर तक ही जाना है, जा पाऊँगा मैं, क्योंकि उसके बाद मुझे दूसरी ट्रेन पकड़नी पड़ेगी एक्चुअली। हवाई टिकट मिल ही नहीं रही थी, बट कोई नहीं चलो चलते हैं। वैसे तो मैं थोड़ा सा थक गया हूँ, बट कोई नहीं चल रहे हम अभी, देखते क्या सीन बनता है। अबे कहाँ है इसकी स्लीपर, पता नहीं कहाँ, देखते हो गया अभी थोड़ा सा। एक अंकल थे, तो उन मेरी S1 में 70 था, तो उनका भी 70 था, मतलब
पर उनको ये नहीं पता था कि S2 में उनका वो मेरी सीट पर बैठे थे, मेरी ऊपर वाली सीट मिली है यार। चलो कोई नहीं, नीचे वाली नहीं मिली तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आगे वाली ट्रेन की तरफ इधर आगे आगे डिब्बे से थोड़ा सा S1 पास में ही होता है तो ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, बट ऊपर वाला मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। नीचे वाला या मिडल वाला होता तो कोई दिक्कत नहीं था, बट चलो जैसा भी है। बाकी एक चीज़ दिखा दो तुम्हें, देखो नई दिल्ली है ना, खतरनाक, और ट्रेन सामने, और मेरा कोच ये रहा सामने। चल पड़ी ट्रेन, अरे चलो इधर से देखो, इधर चलेगी क्या, दिख रही है ना, चली थोड़ी थोड़ी स्लो स्लो सी चल रही है, बट कोई नहीं, ऊपर है मेरी सीट ये रही, चल गई ये रही है ना, चल पड़ी अब फाइनली। तो भाई चल गई भाई, भीड़ पर बहुत है, भीड़ देखो, भीड़ देख रहे हो, भीड़ ही भीड़ है भाई, अंत की भीड़ है, अंत की, इधर देखो भीड़, बहुत सारी भीड़ देख सकते हो। कुछ ऐसी ट्रेन, मतलब मेरी सीट है ऊपर की तरफ ऐसे है ना, ये सारा ऊपर ऐसे ये रही मेरी। अब मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ और बाकी आपको तो रात के देखो कितने बज रहे, 11:53, और भाई हम बिल्कुल कानपुर सेंट्रल बिल्कुल पहुंच चुके हैं, और क्योंकि टाइम भी इतने बजे का ही था। एंड ये देखो भाई, भाई साहब मज़ा आ रहा है भाई, मतलब टाइम टू टाइम चल रही है ट्रेन, 11:53 हो गया बिल्कुल। एंड कुछ ऐसा है व्यू, इस साइड से भी देख सकते हो, पुलिस खड़ी है भाई हर जगह, एंड दिस इज ट्रेन, और बहुत मज़ा आ रहा है भाई सही में। मैं तो सो गया था, एकदम से उठा तब देखा पहुँच गए हैं। एंड बाकी का तो भाई और भी वीडियो आने वाली है, तो स्टे ट्यून है ना। इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ, अब आई होप कि आपको मज़ा आया होगा, मज़ा आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।